स्वागत है आप सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बजाज फाइनेंस के ईएमआई कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज कैसे कर सकते हैं जो आपके बजाज ईएमआई कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपना ब्राउज़र ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन करना है, उसमें आपने गूगल का सर्च इंजन ओपन करना है। गूगल के सर्च इंजन में आपने बजाज फिनसर्व यहाँ पे एंटर करना है। बजाज फिनसर्व एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे कर देना है एंटर। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपके सामने कुछ सर्च रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, तो ये ऐड के लिए है। उसके ठीक नीचे देखेंगे तो बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल साइट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो इस बजाज के ऑफिशियल साइट पे आपने करना है क्लिक। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं बजाज की ऑफिशियल साइट का जो यूज़र इंटरफेस है मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये पूरी तरह से ओपन हो जाता है तो आपने करना क्या है, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे टॉप पे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, माई अकाउंट और कॉन्टैक्ट्स। तो आपने माई अकाउंट पे ध्यान देना है। माई अकाउंट के साथ में आपको यहाँ पे एक एरो दिखेगा, एरो पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, ड्रॉप विंडो सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइन इन, हमने साइन इन करना है। मोबाइल नंबर को चेंज करने से पहले साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करके अगर आप सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टमर पोर्टल का। तो हम जाएंगे कस्टमर पोर्टल पे। तो देखिए मैं यहाँ पे कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट टैब में मेरे पास एक ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू एक्सपीरिया और नीचे दिया हुआ है कि ये आपने यहाँ से लॉग इन करना है। तो लॉग इन आप कैसे कर सकते हैं, आप लॉग इन करने के लिए आप अपने कस्टमर आई डी से लॉग इन कर सकते हैं, ई मेल आई डी से लॉग इन कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर से लॉगिन करना भी बेहतर रहेगा, बट अगर सपोज करिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो मिसप्लेस हो चुका है, आपके पास नहीं है, तो मोबाइल नंबर से कैसे करेंगे लॉगिन, उसके लिए तो आपको कस्टमर आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, या हाँ अगर आपके पास पासवर्ड है इसका तो आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं, मेरे पास पासवर्ड है तो मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ। ये देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर किया और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के दो मेथड आ रहे हैं, सेंड ओटीपी और आई हैव अ पासवर्ड। तो दोस्तों, मैं ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज कैसे करना है। सपोज करिए कि आपके पास कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पहले रजिस्टर्ड है वो भी आपके पास है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तब तो आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। बट अगर आपके पास वो पुराना नंबर है ही नहीं तो आप ओटीपी के थ्रू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ओटीपी आपके पुराने नंबर पर जाएगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, आप अपने पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे मुझे पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करूँगा, उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे लॉगिन का ऑप्शन मेरे को मिल रहा है तो लॉगिन पे मैंने क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा अपने बजाज फिनसर्व के कस्टमर पोर्टल में। तो मैं इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये मैं पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूँ। अब मुझे करना है अपना मोबाइल नंबर चेंज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप टॉप पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पे एक आपको एक आइकन बना हुआ दिखेगा। जैसे आप इसको पर कर्सर ले जाते हैं तो माई प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगा लिखा हुआ आपको। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही इन एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपका नाम होगा और नीचे लिस्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपने क्लिक करना है। देखिए मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया है तो मेरे सामने ये यूज़र इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मेरे पास दो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एक ईमेल है और एक मोबाइल नंबर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं यहाँ कोई एडिटेबल नहीं है, जैसे मैं कर्सर ले जाता हूँ मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ इसको, ना ही मैं अपने मोबाइल नंबर को एडिट कर सकता हूँ। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने इसमें क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का, देख रहे हैं आप, ये देखिए जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएंगे, अभी आपको ग्रे ग्रे कलर का दिख रहा है। ये देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर एडिट पे क्लिक किया, ये देखिए ये हाईलाइट हो चुके हैं, आप ये ब्लैक कलर के हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा मोबाइल नंबर, पूरी ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे शो नहीं होगी, ये आपके स्टार्टिंग के कुछ डिजिट्स शो होंगे और लास्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर दूंगा।
दोस्तों एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है मैं इसको चेंज करना ही नहीं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से आपने क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे यही नंबर मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा और यही नंबर मैं यहाँ एंटर करके अपडेट कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपने पुराना नंबर डिलीट करके आपने अपना नया नंबर अपडेट करना है। तो ये देखिए मैं करना क्या है, आपने ये देखिए आपने अपना पुराना नंबर यहाँ पे डिलीट किया और आपने अपना नया नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। ये देखिए नया नंबर जैसे ही आप एंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन आता है, कैंसिल और सबमिट का, आपने कर देना है सबमिट। जैसे आप इसके सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक हेयर टू जनरेट ओटीपी। तो आपने ओटीपी के थ्रू इसको वेरीफाई करना है अपने न्यू नंबर को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा आपको पॉपअप में कि अ वेरिफिकेशन कोड विल बी सेंड टू योर मोबाइल। तो आपने कर देना है इसको ओके। जैसे आप इसको ओके करते हैं तो आपने थोड़ा वेट करना है और आपके जो ये जो सेकंड मोबाइल नंबर है जो आपने यहाँ पे एंटर किया है उस पर आपको एक ओटीपी पहुँच जाएगा। तो मैं वेट कर लेता हूँ जब तक ओटीपी आता है मेरे को। तो दोस्तों मेरे पास ओटीपी रिसीव हो चुका है, तो मैं उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। 44608 ये मेरा ओटीपी आया है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। तो मैं जैसे इसके ऊपर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करिए, देखते हैं आगे क्या होता है। ये मैंने क्लिक कर दिया है इसके ऊपर, ये देखिए। तो क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे को एक मैसेज शो हो रहा है कि योर ईमेल आईडी विल बी अपडेटेड इन 24 आवर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपकी 24 आवर्स में अपडेट हो जाएगी। तो आपने वेट करना है 24 आवर्स का। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है बट आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया है, तो यहाँ पे जो भी आपने अपडेट किया है वो मोबाइल नंबर किया है या ईमेल आईडी किया है वो अपडेट हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो आपने कर देना है इसको ओके। उसके बाद क्या करना है, आपका जो प्रोसीजर हो पूरा हो चुका है। मैं इसको अब लॉग आउट कर देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, देखा आपने कि कितना इजी था आप अपने ईएमआई कार्ड जो बजाज का ईएमआई कार्ड है उसमें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज करना, बहुत ही इजी था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।